संदीप सोनगढ़े, संदीप सर क्लासेस भोपाल। हम लोग प्राचीन भारत के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। सेकंड लेक्चर है, आई थिंक सो। आप सब लोगों के जैसा रिस्पांस था, जैसे मैंने डायग्राम वाइज समझाया और प्लेसेस सारे क्लियर हुए। क्यों, क्या होता है, पीडीएफ में समझाना और लिख कर समझाने बड़ा अंतर हो जाता है ना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आप लोग का फीडबैक कल मुझे मिला, तो थैंक यू सो मच, है ना। और बस आप लोगों से यही कहूँगा कि चीज़ों को समझते चलें, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स हमने कल डिस्कस किए थे और कुछ बच्चों के डाउट थे जो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। प्रॉपर हमने कम्युनिकेशन के लिए आपको एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं 8839433101, ठीक है। तो कोई भी अगर कोई क्वेरी है, मैथ्स की क्लासेस भी 12 बजे डेली लगती है, ठीक है। तो कुछ बातें हम लोग आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि जो लोग अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले भी हैं, ठीक है। देखो एक चीज है, पीएससी मेंस और जो लोग अदर कॉम्पिटिशन वाले हैं, भाई देखो आप लोग भी समझ लो कि पढ़ना भी आपको कंप्लीट ही है। हाँ, बस मेंस वालों को क्या करना है, डिटेल में उसके कुछ की पॉइंट लगा के लिखने पड़ते हैं। और आप लोग अगर डिटेल में पढ़ते हो तो उसी डिटेल में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मेहुला क्या है, ठीक, ऐसे वर्ड। लेकिन ये कब पता चलेगा, जब आप डिस्कस, आप डिटेल में पढ़ोगे, है ना। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको लूसेंट पढ़ना कंपलसरी, जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिगनर्स हैं, उन्हें भी लूसेंट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आपको पढ़ना कंपलसरी है। और जो अदर कॉम्पिटिशन वाले, ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा आज का पूरा लेक्चर पढ़ना है और आपको, और आज ही जाके लूसेंट पढ़ना है पूरा लेक्चर। लेकिन लास्ट तक ये मत सोचना कि मेंस लेवल पर समझा रहे हैं सर तो हमारे काम का नहीं है, वो की पॉइंट से ही आपको क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। इन्हें थ्योरी लिखनी है पॉइंट फॉर्म में और उसमें से ही आपको क्वेश्चन आने हैं, क्लियर, ओके, ठीक। हमने लास्ट टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पढ़ा था, परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, विस्तार पढ़ लिया था, कहां कहां वो गई, ठीक है। और क्या पढ़ लिया था, विशेषताएं। विशेषताएं बहुत सारी थी। विशेषताएं में हमने क्या पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस, नगर नियोजन प्रणाली, और बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे कितने सारे पॉइंट आपके निकल गए। परिचय में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इसका जो टाइम पीरियड था 2400 ईसा पूर्व से आपका 1700 ईसा पूर्व तक है, कुछ जगह मिल जाएगा वो 2350 से 1750, ठीक है ना। खोजकर्ता कौन थे इनके, एक ओवरव्यू कर रहे हैं अपन, रिवीजन टाइप। खोजकर्ता थे कौन, दयाराम सहानी, 1921 में इनने खोज की थी। ये वन लाइन फैक्ट वाले मैंने कल डिटेल में इसको समझा दिया है। अलग अलग पॉइंट मिले थे, ऊपर मांदा मिला था जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, ठीक है ना। इधर पूर्व में क्या मिला था, आए हुए क्वेश्चन है, पूर्व में क्या मिला था, आलमगीरपुर मिला था यहाँ पे, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी पर है। इधर सुतका गेंडोर मिला था आपको, बलूचिस्तान टाइप साइड है ना, सुतका गेंडोर कहाँ पर था, ये दाशक नदी के तट पर। इस साइड क्या मिला था आपको, दाइमाबाद, पूरा मैंने मैप बताया था कल, दाइमाबाद, ठीक है, गोदावरी के नदी के तट पर महाराष्ट्र में। तो ये हमने कल डिटेल में जाना था कि इसका विस्तार, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी कि ये जो सभ्यता है ना, ये जो सभ्यता है वो अपनी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी उससे विस्तृत थी और बड़ी थी और विशेषताएं विकसित थी, ठीक है। लेकिन समझना है बात को, सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया की, ईरान, ठीक है, ये विश्व की सबसे प्राचीन है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हो किसका इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का, समझो बात को, हम जो पढ़ रहे हो किसका इतिहास पढ़ रहे हैं, भारत का। तो भारत की सबसे प्राचीन कौन सी है, वो कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। और मेसोपोटामिया, एक बच्चे का क्वेश्चन था शुभम बरोड़े करके है, ठीक है। तो वो जो विस्तृत और विकसित सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया अभी चीन हो गई है ना, आपकी मिस्र हो गई, तो ये विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता और विकसित थी,
ठीक है, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीन मेसोपोटामिया, लेकिन भारत की सबसे प्राचीन कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे वैदिक सभ्यता है, फिर बौद्धिज्म आ जाएंगे, जैनिज्म आ जाएंगे, तो सबसे पुरानी सभ्यता क्या कहलाएगी? सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की। ठीक है ना, ये क्लियर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, कई बार जल्दबाजी में क्या हो जाता है, अपन उस पॉइंट को कवर करते हैं तो मिस हो जाती हैं कुछ चीजें, तो वो क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना आपसे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना ना, भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्लियर। ओके, विशेषताएं में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, नगर नियोजन प्रणाली, सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, ऐसे कुछ की पॉइंट बनाने थे आपको। 6 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो, 3 नंबर में आता है नगर नियोजन तो आप बता सकते हो, ठीक है ना, ओवरव्यू बता सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, धार्मिक विशेषता है, तो हर एक पॉइंट आएगा और हर एक पॉइंट से भी वन लाइन फैक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे कौन सी? सामाजिक विशेषताएं, ठीक है। और देखो प्रारूप कैसा होना चाहिए, की पॉइंट्स में आपको बनाना है, पहले समझ लेना है फिर मैं बताऊंगा। सामाजिक विशेषताएं, ठीक है, सोशल इंपॉर्टेंस, सामाजिक, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी आप समझो। ये जो मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं, 5 से 6 पॉइंट, ये इसी जगह नहीं, कोई भी काल देख लो, गुप्त काल देख लो, आप कोई भी सभ्यता देख लो, सब चीज इसी के आधार पर होती है। इवन आज भी हम जिन चीजों को लेकर चल रहे हैं, आज अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो ये चीज आज समाज की बात होती है, किस टाइप में लोगों को बांटा गया है उस तरीके की बात होती है। आज भी हम बात करते हैं अपने आर्थिक जीवन की, बात करते हैं कि आज हमारी GDP ग्रोथ रेट क्या जा रही है, आज भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज भी हम अपने रीति रिवाज की बात करते हैं, आज भी हम अपने रहन सहन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, ट्रेडिशन की बात करते हैं। तो मतलब वही पॉइंट है, उसी पॉइंट में हर समय उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है, क्लियर। तो ये पॉइंट जो है उसी पे रिलेटेड चीजें आएंगी, क्लियर है चीजें, तो वो कभी चेंज नहीं वाली। जैसे मान लो समाज कैसा है आज का, तो उस टाइम में समाज कैसा था, पहला एक पॉइंट हो गया, यहां से वन लाइन पॉइंट भी होंगे और 6 नंबर में पॉइंट बना के पहला लिख, समाज हो गई, इसके अंदर सामाजिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना, समाज हो गया, वर्ण व्यवस्था कैसी थी यहां की, वर्ण व्यवस्था, व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, समझाऊंगा एक एक पॉइंट। यार देखो लिखवाना रहता तो मैं थ्योरी चीजें नहीं लिखाता, समझा के ही चीजें करने से मतलब नहीं, तो आप बुक ही पढ़ लो, ठीक है ना, चीजों को समझना है, रिलेट करना है आज और कल से, ठीक है। जाति, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी और आज कैसी है ना, स्त्रियों की स्थिति, तो ये हर काल में बात होगी आपको, ये की पॉइंट है, हमेशा काम आएंगे, स्त्रियों की स्थिति, ठीक है, मनोरंजन के साधन क्या थे, पूरा आपकी लूसेंट भी कवर होगी और आपके 6 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे। तो यार PSC मेंस का पूरा कराऊंगा मैं सिलेबस, ठीक है, लेकिन आपको अदर कंपटीशन वाले भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन आते हैं मनोरंजन के बारे में, ठीक है ना। इसी तरीके से 5-6 पॉइंट आपके अपन करते हैं, क्लियर। और कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे आप खान पान लिख सकते हो, खान पान कैसा था, हम आर्थिक जीवन की बात कर रहे हैं, क्लियर है। ज्यादा मैं समझाऊंगा नहीं, जो 2 लेक्चर हुए हैं वो जरूर देखें, ठीक है, ओके। समाज, ठीक है ना, हर एक चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि वहां का कल्चर वहां के समाज के ऊपर है। तो ये इस टाइम पर जो समाज था ना, वो जो समाज था वो समता मूलक था। कैसे समझो, समता मूलक क्या होता है, जैसे जैसे हम डेवलप्ड होते जा रहे हैं, पहले क्या होता था, एक फैमिली चलती थी, उसमें सब लोग मिलके रहते थे। आज क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्प्यूट हो रहे हैं, पर्सनल सब लोग सिंगल होते जा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी फैमिली से अलग होते जा रहे हैं। लेकिन पहले का जो समाज था वो समता मूलक था, उनमें यूनिटी थी, ठीक है ना। तो जो समाज था वो क्या था, समता मूलक समाज था। समझना है टर्म्स को, समझना है, ठीक है ना, समता मूलक समाज था। और ये जो समाज था, हालांकि वो स्त्रियों की स्थिति थी, लेकिन ये जो समाज था ना वो मात्र सत्तात्मक था। कौन सा था, मात्र सत्तात्मक मक समाज था, समाज
मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, पीएससी वालों को लास्ट में अपने को एविडेंस भी देने, साक्ष्य, ठीक है ना, वो अलग चीजें हैं, ठीक है, ये चीज समझनी है। और लास्ट में आपको की पॉइंट्स भी बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है ना, लिखना कैसे। तीन नंबर में आ गया, छह नंबर में आ गया, ठीक है ना। समाज समतामूलक था और लेकिन वहां पर क्या था, मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, वहां पर महिलाओं की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। क्यों? अब ये साक्ष्य के रूप में हमें जब पॉइंट में लिखेंगे तो हमको क्या मिलता है, साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में जब हम नीचे साक्ष्य लिखेंगे तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि हमें यहां पर जो मोहरें मिली वहां पर क्या है, मात्र सत्तात्मक के बारे में पता चला है कि वहां के जो मोहरे उसमें उनका चिन्ह बना हुआ था। यहाँ पे हमको कांस्य की नृत्यकी की मूर्ति मिली खोज में मोहनजोदड़ो से, तो ये सारी चीजें से हमको पता चल रहा है कि जो एविडेंस है उससे हम बता सकते हैं कि जो हमारा जो समाज था मात्र सत्तात्मक था और समतामूलक सुखी और समृद्ध समाज था। सुखी और समृद्ध समाज था, ये कैसे पता चला सुखी और समृद्ध था, ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे देखते हैं। डेवलप्ड थी चीजें, ठीक है ना, ओके, समतामूलक समाज समझ में आया, सुखी समृद्ध और मात्र सत्तात्मक, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा कि लिखना कैसे, समझाया समझना है अभी। तो वन लाइन फैक्ट वालों के लिए भी क्या क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से हमें एक नृत्यकी की मूर्ति मिली थी, ठीक है, और यहां पर जो अपनी जो भूमि थी उसको भी मातृत्व स्वरूप क्या करा जाता था, पूजा जाता था, जमीन की भी पूजा करती थी, करी जाती थी, धरती मां की भी पूजा की जाती थी, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या होती भाई, जैसे अपन ने इसके पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में वेद वगैरह जहां हमने क्लियर किया था, तब हमने देखा था चार वर्णों में बांटा गया है, देखा गया था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो अलग चीज हो गई, ऋग्वेद की बातें थी, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विशेषताएं, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में वर्णों के आधार पर। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना, की पॉइंट आया हुआ क्वेश्चन है यार, यहां की पॉइंट क्या है, वर्ण व्यवस्था जो थी वो क्या थी, कर्म के आधार पर थी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर का मतलब क्या होता है, और जाति के आधार पर मतलब क्या होता है, जाति व्यवस्था, जहां वर्ण व्यवस्था आएगी वहां जाति व्यवस्था नहीं होगी, तो यहां जाति व्यवस्था नहीं होगी, दोनों चीज समझा रहा हूं। देखो यार, नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में बनानी है, पॉइंट क्लियर है, बंदा आपको नंबर देगा, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, वन लाइन फैक्ट में प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है, कर्म के आधार पर थी, कैसे, क्योंकि यहां जो चार वर्ण थे, कितने वर्ण थे यहां पर, चार वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था थी, चार वर्ण थे यहां पर, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, चार वर्ण थे यहां पे, क्लियर, ब्राह्मण, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, वहां से कंपेयर मत करना, कहां से, ऋग्वेद में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, वो चीज अलग है, यहां पर एक्चुअल चीजें थी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, चार वर्ण थे। अब यार देखो, जाति व्यवस्था का मतलब, अगर राजा का बेटा है तो ही राजा बनेगा, अगर ऐसी कंडीशन है, जैसे कई ऐसी कंट्री आज भी है जहां पे एक शासन चलता है उनका खुद का, कि उन्हीं के वंशज रहेंगे आगे भी, राज करेंगे, लेकिन अपने यहां क्या होता है, कर्म के आधार पर चीजें, अगर आज देखा जाए, आज हम अपनी जिस डेमोक्रेटिक कंट्री के आधार पर देख रहे हैं, तो अगर आज से हम कंपेयर करें तो कर्म के आधार पर है, जरूरी नहीं है कि भाई जो नाई है वही बाल काटेगा, ऐसा है क्या, आज नहीं है ना, आज का समाज चेंज हो रहा है ना, समझो, समझाना चाह रहा हूं चीजों को आज से रिलेट करके, भाई नाई बाल काटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो आज के टाइम में क्या प्रोफेशन है, क्लियर ना। तो अगर आपका वो पैशन है तब वो काम कर रहे हो, तो ये क्या हो गई, कर्म के आधार, आपके कर्म है तो आपने वो काम किया, जरूरी नहीं है कि फील्ड, जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एक्टर का बेटा ही एक्टर बनेगा, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, वो आज बहुत मशहूर एक्टर बन गए और कई सेलिब्रिटी के लड़के नहीं कर पाए, तो रिलेट करना सिखा रहा हूं आपको, कंपेयर करना कि भाई कर्म के आधार पर थी वहां पे चीजें, जरूरी नहीं कि व्यापारी का ही बेटा व्यापारी बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्म के आधार पर थी, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप विद्वान बन गए, आप अच्छा सशस्त्र विद्या है तो आप योद्धा बन गए, आज आप अच्छा वर्क करें तो आप व्यापारी बन गए, मजदूर काम करें तो मजदूर बन गए, तो इस तरीके से कर्म के आधार पर थी। अब इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि यहां से चीजें समझनी है यार, ठीक है।
लॉजिक क्लियर करना चाहिए, रटाना नहीं चाह रहा हूं मैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता कर्म के आधार पर थी, जाति व्यवस्था, जहां कर्म आ जाएगा वहां जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपने यहां भी आज ही कंडीशन में कर्म कर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है चीजें, ठीक है ना, वो अलग चीज है, जाति के आधार पर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई ओबीसी जनरल एंड ऑल, ठीक है, उस पर नहीं जाते हम, मैं मेन चीजों को समझाना, ठीक है। स्त्रियों की स्थिति, यार यहां स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, बहुत अच्छी स्थिति थी। आया हुआ क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हो, पॉइंट बना के लिखना है, बहुत अच्छी स्थिति थी। लास्ट में इसको साक्ष्य के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, कैसे पता चलता है, हमें मोहरों में क्या मिलता है, स्त्री के गर्भ से वृक्ष का पौधा निकलता हुआ, उसकी क्या मोहरें मिलती हैं हमें। अगर आप कॉइन देखें, गूगल पे सर्च करें, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है और अच्छे से रिटर्न लिखना है, तो थोड़ा सा आपको खुद की पर्सनल नोट बनानी पड़ेगी, एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, एक बुक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्थिति थी किसकी, स्त्रियों की, ठीक। और हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति हमें मिलती है, ठीक है, तो ये भी हमारे क्या एविडेंस में आ जाता है, यहां पर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा समाज है मात्र सत्तात्मक है और स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, यहां से समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसको बाद में आप नीचे में जब आप अपना निष्कर्ष लिखें, तो वहां पे आप निष्कर्ष ना लिखें, उसको इस पैराग्राफ बनाकर लिखें और वहां पे लिखें एविडेंस, जो हमें एविडेंस मिलते हैं कि भाई समाज का जो एविडेंस है मात्र सत्तात्मक, कैसे पता चला कि हमें वहां पे जो मोहरे पाई गई वो क्या पाई गई, भगवान मतलब मात्र सत्तात्मक मोहरे पाई गई, नृत्य की हमें मूर्तियां मिली गई, मूर्ति पूजा मिली, तो ये सारी चीजें क्या पता चल रहा है यहां से हमको कि मात्र सत्तात्मकता। तो साक्ष्य के अंदर आप लिखेंगे ये चीजें एविडेंस नीचे, ठीक है ना, पहले आप पॉइंट में बनाए, फिर एविडेंस कहां से आपको क्या मिला, ठीक है, ओके। उसके बाद मनोरंजन, तो मनोरंजन में क्या क्या था भाई, पासा खेलते थे ये लोग, ठीक है ना, चौपाल खेलते थे, पशुओं को लड़ाते थे है ना, मछलियां पकड़ते थे, क्लियर हो रही चीजें, ठीक है ना। तो ये मनोरंजन हो गया, जैसे आज वीडियो गेम खेल रहे हैं, आज बच्चे यूट्यूब पर सारी चीजें खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, यहां आज मनोरंजन के साधन ये बन गए लोग लॉकडाउन के टाइम पे। तो इनका जो टाइम था पासा खेलते, चौपाल, पशुओं को लड़ते, आज भी कई जगह ऐसा होता है कि मुर्गों को लड़ाया जाता है ना, एमपी में ही आपको देखने मिल जाएगा, स्पेन में बुल फाइटिंग होती है, इस तरीके से आज भी कहीं ना कहीं कुछ जगह का जो ट्रेंड है वो चल रहा है, ठीक है ना। तो उस टाइम में पशुओं को लड़ाया जाता था, चौपाल, पासा, मछलियां पकड़ना उनका क्या है, मनोरंजन के केंद्र थे, खान पान यहाँ पे क्या था, सर्वाहारी था, ठीक है ना, वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे, ठीक है। तो यहां से हमारा सामाजिक विशेषताएं कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको एविडेंस के रूप में पता दिया ना क्या क्या लिखना है, कि क्या क्या चीजें हमें कहां से, जय मोहन जोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, ठीक है ना, इस तरीके से हमें सारी चीजें मिलती हैं, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया अपना सामाजिक व्यवस्थाएं। और भैया दास प्रथा नहीं थी यहाँ पे ना, एक पॉइंट इसमें अगर लिखना है तो लिख लेना कि यहाँ पे क्या है, दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, दास प्रथा हालांकि इसमें नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट में आएंगी आगे चल के, इसमें दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, प्रथा नहीं थी। तो ये हो गया आपका सामाजिक जीवन नहीं थी, क्लियर हो गई चीजें, ओके। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आर्थिक विशेषताएं, इकोनॉमिकली कि वो ग्रोथ कैसे करे, किस तरीके से, जाहिर सी बात है विकसित थी तो भाई उनका आर्थिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा, ओके, ठीक है। तो हम आर्थिक विशेषताएं अब देखते हैं, अच्छे से नोट्स बनाए, और जितने लोग नोट्स बना रहे हैं ना, तो आप लोग YouTube पर कमेंट में क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो उससे पता चलेगा कि आप लोग ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। यहां पे आ जाएगा हमारा आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, समझते हैं हम इसको थोड़ा सा, क्या होता है आर्थिक विशेषताएं,
भाई कुछ इंपॉर्टेंस तो रही होगी ना कि ये विकसित थी, डेवलप थी, है ना। तो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, एक प्रकार रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसी भी चीज़ की। आज भी हमारे देश की इकोनॉमी क्या है, देश की ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी आर्थिक वृद्धि पे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, देखो हमारा देश आज भी डेवलप नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा इस जगह पे, क्या होता है घर में 5 लोग हैं। आज क्या होता है कि घर में या तो फादर जॉब कर रहे हैं या मम्मा जॉब कर रही है, दोनों कर रहे हैं। 5 लोग हैं तो एक या 2 लोग कमाने वाले, 3 लोग खाने वाले। तो जब हमारा घर ही डेवलप नहीं है तो ना मोहल्ला होगा, जब मोहल्ला डेवलप नहीं तो शहर कैसे होगा, शहर नहीं तो कंट्री कैसे होगी। तो आज भी हम डेवलपिंग नेशन में, जब हर घर का हर बंदा कंट्रीब्यूट करेगा तब जाके वो डेवलप नेशन बनेगा। हम फॉरेन कंट्री से बहुत सारे ट्रेंड फॉलो करते हैं, उनका कल्चर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 14 की एज से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। हर घर अपने हर घर का हर बंदा 14 की एज से क्या होता है, सेल्फ डिपेंड। घर डेवलप्ड है, मोहल्ला डेवलप्ड हुआ, फिर कॉलोनी डेवलप्ड, उस प्रकार से वो क्या है, वो देश डेवलप्ड है। चीजें क्लियर हो गई है, ओके। चलो यहां पे कुछ की पॉइंट्स मैं लिखा देता हूं, ठीक है। इसके भी कुछ की पॉइंट है भाई, आप लोग को कोई पता है कि यहां का जो मुख्य कृषि का जो मेन था वो क्या था, कृषि था। आर्थिक जो आधार था कृषि था, क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना। इसमें हमको साक्ष्य मिले हैं कि भाई हमको मेहरगढ़ में आपको पता है कि धान की बारे में पता चला है।